बात पैसे की नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं है, और हम लोग सबकी रोटी दाल चल ही रही है, सबकी चल रही है, भगवान ने सबको सब किया है। लेकिन स्वामी बंसीपुरी जी महाराज आए और स्वामी जी ने आ करके प्रसन्नता में उनकी वो माला मुझको भेंट की जो संत महात्मा बताते हैं कि वो स्नान करने भी जाते थे तो कभी अपने गले से नहीं उतारते थे, ऐसी माला उन्होंने आशीर्वाद में। ये देखिए ये वाली, कहने का अर्थ ये है कि मूल्य की बात नहीं है, बात ये है कि उन्होंने कुछ दिया, माने अपनी कोई ऐसी चीज दी जिसे देना कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो देते हैं जिससे हमें कुछ फर्क ना पड़े, माने जी पता ना लगे कि हमने कुछ दिया, तो उसे उसे दान नहीं कहते, उसे एहसान कहते हैं। अपनी प्रिय चीज देना, जिसको भाई जिसको देने से आपको लगे कि मैंने कुछ दे दिया, मैंने मेरे से कुछ चला गया। आप लोग तो सब लोग पंजाब से आए हैं, गुरु नानक भगवान ने कहा है, हमारे सिख भक्तों कहते हैं कि गुरु नानक देव ने स्वयं कहा है कि किसी को देना माने अपने अंग काटने के बराबर होता है, किसी को कुछ देना अपने अंग काटने के बराबर है। माताओं बंधुओं, इसलिए एहसान मत करिए, उससे अच्छा अपने पास रखिए। देने वाला वो परमात्मा है, कोई आप है नहीं, वो तो आपको कभी माध्यम बना देता है, आप बनना चाहे ना चाहे वो आपकी इच्छा। यही हुआ, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महेश जा रहे हैं लेकिन वो दान नहीं दे रहे, वो एहसान कर रहे हैं। मनु ने कहा हमको ऐसा एहसान नहीं चाहिए, तो विधि हरिहर तप देखी अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा। बार बार आ रहे, बार बार आ रहे, और बार बार आके एक ही बात कह रहे कि मांगहू पर बहुभांति लुभाए, लुभावना दे रहे, लोभ दे रहे, प्रलोभन दे रहे, मांगहू पर बहुभांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चले चलाए। महाराज मनु टस से मच नहीं हुए, तूने नहीं नहीं हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। महाराज मनु तो कह रहे हैं प्रभु हमको तो केवल चाहिए तो आपसे चाहिए, आपका दर्शन चाहिए। सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर पंडित पद रेनु। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके चरणों में पड़े रहते हैं, हमें वो प्रभु चाहिए, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिए। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, नत पाल भंजन रंजन सुखदायक। भगवान हमें आपका प्रणत पाल सचराचर नायक, ऐसे प्रभु भे सेवक बस अहीं, और भगत हेतु लीला तनु गहीं। प्रभु हम जानते हैं भक्तों के लिए आप शरीर ही धर लेते हैं, प्रभु आपसे ही हमको दर्शन चाहिए, हमें तो आप चाहिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं चाहिए। तो क्या हुआ माताओं बंधुओं, जानते हैं, भगत हेतु प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवाना। भगवान समझ गए महाराज मनु किसी प्रलोभन में नहीं आने वाले, महाराज मनु केवल हम पर विश्वास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी शब्द लिख रहे हैं विश्ववास, विश्ववास यानी जो विश्व में वास, जिसका विश्व में वास हो, सारी जगह व्यापक जिसे कहते हैं। लेकिन भगवान विश्व में भी वास करते हैं, और दूसरा भगवान का ये शब्द से अर्थ निकल रहा है विश्वास में भी वास करते हैं। विश्वास का अर्थ ही यही है माताओं बंधुओं, विश्वास है तो सब है, अब विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, क्या हम और आप कोई मूर्ख तो है नहीं, या ये आज आप देख रहे हैं हम और सुबह से आप लोग 3 बजे से जग के सब लोग जाके स्नान कर रहे हैं, ये करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु, जान माल की कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हालांकि लगे हुए हैं सब अधिकारी और सब कुछ, लेकिन आप बताइए करोड़ों का सैलाब, उसको बचाने की और उसकी व्यवस्था की कोई जिम्मेदारी कोई ले सकता है क्या? क्राउड को कोई संभाल सकता है क्या उसकी जिम्मेदारी की?
और करोड़ों करोड़ों लोग कल रात से परसों शाम से चले आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सब बैठे हुए स्नान करने, और स्नान करने के बाद आप लोग चले जाएंगे माताओं बंधुओं ठंड में। ये माघ का महीना, कड़ाके की ठंड, सुबह 4 बजे कहीं यहाँ पे आप लोग माता गंगा की गोद में बैठे हैं। अरे आप लोग तो फिर भी सौभाग्यशाली यहाँ लेटे हैं, कई लोग सड़कों पे लेटे हैं। क्या है ये विश्वास ही तो है, ये उनकी श्रद्धा ही तो है प्रभु के ऊपर जो ये सब करवा रही है। कई लोग हैं जो इसको सोचते होंगे अरे क्या है ये, चले जा रहे हैं परेशान होने मरने वहां पे, बाद में चले जाते हैं। क्या आवश्यकता है जब जानते हैं कि मौनी अमावस्या पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है तो उसी समय आने की आवश्यकता है, उसी समय स्नान करने की आवश्यकता है। अरे भाई माघ के बाद आके कर लो स्नान, किसने रोका है आपको? लेकिन ये श्रद्धा है, ये आपका विश्वास है कि आज के पर्व पे बस सारा खेल विश्वास का है। याद रखिएगा, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो भगत तो है तू, ये मनु महाराज मनु का विश्वास था जो परमात्मा को स्वयं प्रकट होना पड़ा, वरना ब्रह्मा विष्णु महेश तो आए थे दान देने के लिए, वरदान देने के लिए। भगत तो है तू प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवाना। और किस रूप में प्रकट हो रहे हैं प्रभु? वो नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, मानो नील कमल हो, मानो नील मणि हो, मानो नीला मेघ हो। नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभानि रखी कोटि कोटि सत्काम। भगवान प्रकट हो रहे हैं महाराज मनु के साथ सामने, और माताओं बंधुओं ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे तो अकेले अकेले आए थे। भगवान जानते हैं कि तपस्या महाराज मनु और महारानी शत्रुपा ने साथ में की है, तो भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, साथ में कौन आ रहा है? आदिशक्ति छवि निधि जग मूला भृकुटी विलास बाम भाग शोभति अनुकूला। आदिशक्ति छवि निधि जग मूला ब्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। भगवान जानते हैं पति पत्नी दोनों ने तपस्या किया है, तो वरदान देने हम दोनों को आना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे तो आकर के केवल महाराज मनु से कह रहे थे मनु मांगो मनु मांगो, लेकिन देखिए भगवान आए हैं, जानते हैं पति पत्नी दोनों अधिकारी हैं वरदान के, केवल एक से पूछना अच्छी बात नहीं है। तो क्या कह रहे हैं प्रभु? कह रहे ये नहीं कह रहे मांगो मनु, कह रहे हैं मांगू मांगू पर माता आप भी मांगो और महाराज मनु आप भी मांगो। मांगू मांगू पर भाई नभ पानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी। अरे माता महारानी शत्रुपा आप भी मांगो और महाराज मनु आप भी मांगो। समझ गए महाराज मनु, समझ गए कि अब असली दानी आए हैं, अब पूरे दानी आए हैं, अब दानी शिरोमणि आए हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात सदैव याद रखिएगा, इस संसार में यदि सच्चा कोई दानी है ना तो वही परमात्मा है दानी। जो देते हैं ना तो देने के एवज में कुछ सोचते नहीं है कि कुछ मिल जाए, बाकी सब नकली दानी। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई हम भी किसी को देते हैं तो उसके बदले में कुछ पुण्य तो सोचते हैं, कुछ तो लाभ सोचते हैं, चाहे सात्विक हो चाहे राजसिक हो चाहे तामसिक हो, कुछ तो लाभ हो। लेकिन दान तो असली वो होता है जिसके एवज में कुछ सोचा ना जाए, दे दिया जाए बस, कुछ उसके बदले में चाहने की इच्छा ना हो। तो असली दानी तो इस संसार के केवल हमारे प्रभु ही हैं और कोई नहीं है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात को लिखा कि एक दानी शिरोमणि साचो
इस संसार में सच्चे धानी शिरोमणि तो केवल हमारे प्रभु श्री राम है। जोई जाचत सोई जाचक ता बस फिर बहु नाच न नाचो। एक बार जिन्होंने उन प्रभु से मांग लिया ना, तो प्रभु से मांगने के बाद फिर किसी और से मांगने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, फिर नाच नहीं नाचे वो दूसरों के सामने। हरि हु और अवतार आपने राखी वेद बढ़ाई, भगवान ही क्यों ना हो। और भगवान ने अपने सारे अवतारों में वेदों की बढ़ाई और अपनी बढ़ाई रखी है, अपने यश को संभाला है, अपने बिरध को संहारा है। कैसे? कथा भी आप लोगों ने सुनी दो चार दिन पहले कि लय चूरा निधि दई सुदामहि यद्यपि बाल मिताई। सुदामा जी के साथ केवल वही चूड़ा, वही तंदुर, उसी के बदले में पूरे तीनों लोकों को रजिस्ट्री कर दी भगवान ने। कोई कमिटमेंट नहीं था, कोई बात नहीं थी, लेकिन बचपन की मित्रता थी। सुदामा ने मांगा भी नहीं था कि मांगा हो, लेकिन ये एक दानी शिरोमणि साचो तो भगवान प्रकट हुए, कह रहे हैं मांगू मांगू पर भई नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी। तो जैसे ही महाराज मनु ने ये सुना, क्या बात है क्या बात है, मृतक जियावन गिरा सुहाई। जैसे मरने वाले को कोई जिया दे, मरने वाला जीवित हो जाए। महाराज मनु ने देखा मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उर जब आई। कानों से जैसे ही हृदय के अंदर प्रभु की वाणी पड़ी ना, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। क्रश शरीर हो गया था, दुबले हो गए थे 23,000 वर्ष तपस्या करते करते, लेकिन जैसे ही प्रभु की वाणी सुनी ना, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए, मानो अभी अभी घर से आ रहे, अभी अभी तपस्या करने आए हो। ऐसे महाराज मनु और महारानी शत्रुपा प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देखो मनु, मैं आ गया, अभी तक जो हो गया सो हो गया, आगे मैं आ गया हूं। कोई चिंता मत करना, कोई संकोच मत करना मांगने में। क्या प्रभु? बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु पर जो भाव मन महादानी अनुमानी। मैं बहुत प्रसन्न हूं मनु आपसे, और मांगने में कोई कसर मत छोड़ देना। महादानी समझ के मांगना, अधूरे दानी भी नहीं और केवल दानी भी नहीं, महादानी समझ के जो आपको मांगना हो, जो आपका मन हो, वो आप एक बार कह दीजिए मनु, मैं बिल्कुल देने को तैयार हूं जो भाव मन। अब माताओं बंधुओं, बड़ी विचित्र बात हो गई। विचित्र बात ये हो गई कि जो कर्ण के साथ हुआ वही महाराज मनु के साथ भी होने लग गया। महाराज मनु से प्रभु ने कहा कि मनु मांग लीजिए, क्या मांगना है। तो महाराज मनु ने सोचा कि प्रभु, प्रभु मैं चक्रवर्ती सम्राट और जीवन भर देता हुआ आया हूं सबको, तो जब सबको जीवन भर देता हुआ आया हूं और आज आप कह रहे हैं कि मांगो, तो मैं क्या मांगू, मुझको समझ नहीं आ रहा मैं मांगू क्या। अरे भाई, महाराज मनु के पास कोई पैसा पद प्रतिष्ठा की कमी तो थी नहीं, परिवार भी अच्छा ही था, हम लोग सब चर्चा कर चुके, और सोच भी बड़ी थी उनकी, भाई उनकी कल्पना बड़ी थी। जैसा मैं कभी कभी कहता हूं, आप लोग भी जानते हैं सब लोग, कि बड़ों में बड़प्पन होता है। बड़े वही होते हैं जिनमें बड़प्पन होता है, याद रखिएगा। बड़े ना आयु से होते हैं, ना पद से होते हैं, ना पैसे से होते हैं। हम लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी की पहले परिभाषा जान लीजिएगा। कई बार मैंने कई लोग मुझसे सुना, मैं बहुत बड़े लोगों के साथ बैठा हूं भी, तो मैं मन में सोचता हूं कि वो कौन से बड़े लोग हैं, किस कैटेगरी में आते हैं,
वो पद से बड़े हैं कि पैसे से बड़े हैं कि यश में बड़े हैं। व्यक्ति अगर सोच में बड़ा नहीं है तो फिर किसी चीज में वो बड़ा नहीं है। सबसे पहले है सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ों में बड़प्पन होता है। कैसे आप बताइए माताओं बंधुओं, फर्ज कीजिए भगवान की कभी ऐसी कृपा हो जाए कि परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाए, आपके सामने प्रकट हो जाए, और मांगो क्या मांगना है, फट से मांगो क्या मांगना है, तो हम और आप क्या मांगेंगे? हम लोग मांगेंगे भाई रोटी कपड़ा और मकान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, यही तो मांगेंगे। बहुत ज्यादा मांग लेंगे तो 20 करोड़ 50 करोड़ मांग लेगा कोई, है किसी मन में पैसे की लालसा होगी तो यही मांग लेगा। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने कभी भगवान आ जाए कहीं मांगो, तो क्या वो ये मांगेंगे कि रोटी कपड़ा और मकान या 20 करोड़ 50 करोड़? उनकी न जाने क्या कल्पना होगी, क्योंकि वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं, उनकी सोच उतनी बड़ी होगी भाई, वो दूसरों के लिए सोच रहे हैं, उनमें बड़प्पन है, हम लोग अपने लिए सोचते हैं। देखिए घटना से आप समझेंगे इस बात को, एक उदाहरण से समझाता हूं। एक राजा जी थे माताओं बंधुओं, और वो राजा जी एक बार अपने घर में अपने राजमहल में बैठे थे, और तब तक एक कलाकार आ गया वहां पे, तो वो कलाकार आया और उसने कहा राजा जी ऐसा है मुझको कुछ काम दे दीजिए, अपने घर में रख लीजिए। तो राजा जी ने कहा कि क्या कर लेते हो आप? तो कलाकार ने कहा कि ऐसा है कि मुझमें 3 कलाएं हैं, 3 गुण है मुझमें। क्या कहा? पहला गुण तो ये है कि मैं पत्थर अशर्फी पहचान लेता हूँ, नग पहचान लेता हूँ। दूसरा गुण है कि मैं घोड़े की नस्ल भी पहचान लेता हूँ, और तीसरा गुण है कि मैं आदमी की नस्ल भी पहचान लेता हूँ, मैंने आदमी कैसा है ये भी पहचान लेता हूँ। तो कहा अच्छा ठीक है। अब किस्मत से राजा जी उस समय बैठे थे और वो कुछ कोई नग वग देख रहे थे, पत्थर उत्थर खरीद रहे थे। तो मान लीजिए जैसे सबसे सही उदाहरण मुझको लगता है इसमें मूंगा, मान लीजिए मूंगा ही देख रहे थे। तो मूंगा का उदाहरण ये है माताओं बंधुओं, कहीं उसकी पहचान होती है, रात भर दूध में रख दो तो आभा मंडल आ जाता है उसका बाहर, या जला दो तो उसको बहुत वो उसका वजन नहीं कम होता, ऐसी बहुत बातें हैं। तो कहते तो पहचान करो भाई पत्थर की मणि की। तो अब वो कलाकार था, उसने देखा और देखकर बता दिया कि हाँ हाँ राजन ये है मूंगा है। तो खुश हो गए राजा जी। राजा जी ने कहा वाह, अरे ये बड़े काम का व्यक्ति है। कहा देखो कलाकार, हम तुम्हारी काम से बड़े प्रसन्न हैं और तुम्हारे लिए कमरा खुलवा दे रहे, कमरे में रहो और दिन भर जो काम तुम्हें जो काम धाम करने घूमते हो घूमो, रात में आकर के भोजन आपके लिए तैयार मिलेगा, जब आओगे खाओ और सो जाओ। वो भी प्रसन्न हो गया, उसका काम बन गया। धीरे धीरे राजा जी को याद आया कि अरे भाई ये तो घोड़ा भी पहचान लेता है, घोड़े की नस्ल। अरे कलाकार इधर आओ, आप घोड़ा पहचान लेते हो? हाँ हुजूर। तो हमारे घोड़शाल में बताओ जरा घोड़े नस्ल बताना। तो उन्होंने कहा हुजूर ऐसा करिए कि सारे घोड़ों को छोड़ दीजिए आप। अब सारे घोड़ों को छोड़ दिया गया तो कुछ घोड़े तो ऐसा भागे कि वो पलट के ही नहीं आए कभी। तो राजा ने कहा क्या किया तुमने, खुलवा दिया, सब नुकसान हो गया, इतने सारे घोड़े चले गए मेरे। तो कलाकार ने कहा प्रभु जो घोड़े आपके गए हैं वो असली नस्ल के नहीं थे, वो नकली थे, क्योंकि असली घोड़ा अपने मालिक का बहुत वफादार होता है। अरे भाई चेतक की कथा हम लोग आज भी गाते हैं, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो माताओं बंधुओं कितना वफादार था, प्राण दे दिए थे उसने अपने स्वामी के लिए। तो कहा जो वापस आए वही असली घोड़े हैं आपके, बाकी सब नकली जाने दीजिए उनको।